So today we are going to read the third chapter of class second, environment, term third, the solar system. Okay. I love watching the night sky. There are so many stars twinkling in the sky. They appear like glowing dots on the sky. There is the moon, which fills the sky with bright and white light. Okay. मुझे नाइट स्काई देखना बहुत पसंद है क्योंकि नाइट स्काई में बहुत सारे स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हुए ऐसे लगते हैं जैसे ग्लोइंग डॉट्स. ओके. और जो मून है उसकी लाइट बिल्कुल ब्राइट होती है. ओके. और वो बिल्कुल भर देती है सारे स्काई को रोशनी से. ओके. सो इस यूनिट के एसेंशियल क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज सोलर सिस्टम हैव? ओके. सोलर सिस्टम में क्या होता है? टॉपिक क्या है चैप्टर के? व्हाट आर द सन, प्लैनेट्स, द मून एंड स्टार्स. ओके. प्लैनेट्स, सन, मून और स्टार्स क्या होते हैं? ओके. तो हम हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं. द सोलर सिस्टम. द सन, एट प्लैनेट्स, देयर मून्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. The planets get heat and light from the sun. Okay. जो sun, eight planets और उनके जो moons होते हैं planets के, वो मिल के solar system बनाते हैं. Okay. Sun जो है वो solar system के बिल्कुल center में होता है और सारे planets को उनकी heat और light जो है वो sun से मिलती है. Okay. यहाँ पर ये solar system का diagram दिया हुआ है. ये ही आपका project है, आपको project में बनाना है. Okay. The sun is a big ball of hot gases. It gives us heat and light. It is much bigger than the earth. The sun is thousands of miles away from the earth. The sun appears to rise in the east and to set in the west. Okay. जो sun है वो big ball है hot gases की. Okay. ये हमको heat और light देता है. ये अर्थ से बहुत कहीं ज़्यादा बड़ा होता है. ओके. सन है वो अर्थ से थाउजेंड माइल्स दूर है. ओके. और जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट डायरेक्शन में. ओके. द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ. सन है वो मेन सोर्स है एनर्जी का लाइफ के लिए. ओके. Animals and human beings get their food from plants. The energy, these energy is known as solar energy. Okay. Green plants जो हैं वो sunlight use करते हैं उनका food बनाने में. Okay. और जो animals हैं वो अब उनको उनका जो food है वो plant से मिलता है और इसी energy को हम solar energy बोलते हैं. Okay. Planets. There are eight planets in the solar system. In order from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. अब solar system में eight planets होते हैं और sun के पास सबसे पास जो planet है वो है Mercury, second में Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, सिक्स्थ सैटर्न, सेवन्थ यूरेनस और एट्थ है नेपच्यून. ओके. सो मर्करी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. मर्करी जो है वो सबसे पास का प्लैनेट है सन से. सबसे पास में मर्करी ही है. ओके. व्हाइल नेपच्यून इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट. और नेपच्यून जो है वो सबसे दूर वाला प्लैनेट है सन से. बहुत दूर है नेपच्यून. और जुपिटर जो है वो बहुत ही लार्जेस्ट प्लैनेट है. सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड इट. सैटर्न के आसपास रिंग्स बनी हुई होती है. ओके. आवर प्लैनेट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ओके. हमारा जो प्लैनेट अर्थ है केवल वही एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके. द अर्थ हैज एयर एंड वाटर विच सपोर्ट्स लाइफ. अर्थ पे एयर और वाटर होता है जो हमें
सर्वाइव रखने में हेल्प करते हैं. ओके, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम. वीनस जो है वो बहुत ही ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का. द मून मूव्स अराउंड द सन अराउंड द अर्थ. इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. ओके, अब जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता रहता है, मूव करता रहता है. ओके, ये अर्थ से सबसे क्लोज है. इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ये अपनी लाइट जो है वो मून से लेता है. ओके, द स्टार्स द नाइट स्काई हैज़ न्यूमरस स्टार्स. दे हैव देयर ओन लाइट. द सन इज ऑल्सो स्टार. द स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस सो दे अपीयर वेरी स्मॉल लाइक डॉट्स. ओके, जो स्काई है स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, नंबर्स में स्टार्स होते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा नंबर्स में स्टार्स होते हैं. स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है. जो सन है वो भी स्टार ही है. ओके, स्टार्स जो हैं वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमें डॉट्स की तरह दिखते हैं. सो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. दे गेट देयर लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. प्लैनेट्स, वेरी गुड. इट मूव्स अराउंड द अर्थ. मून, वेरी गुड. दिस प्लैनेट इज फार्देस्ट फ्रॉम द सन. This planet has rings. Saturn, very good. They have their own light. Stars, very good. The sun appears to rise in the east. The sun is a huge ball of hot gases. There are 8 planets. The large planet is Jupiter, very good. So this chapter is finished.